है उसके ऊपर फिर यंत्र रखना है, आपको रेशमी कपड़े पर उस यंत्र को रखना है। और मैं एक बात सभी को बोल देता हूँ, अब यह पूजन करते समय किसी ने अपने घर से पादुका या गुरु चित्र या गुरु विग्रह लाया है तो वो भी सामने रख लो, उस यंत्र पर उस प्लेट में रखो। जिसने भी गुरु यंत्र, गुरु पूजन, गुरु पादुका लाए हैं उस प्लेट में उस यंत्र को रखो या पादुकाओं को सामने रखो, षोडशोपचार गुरु पूजन होगा। पुरुष सूक्त से पूजन आपको कहेंगे, मानसिक षोडशोपचार पूजन करना है। आप सामने लेकर बैठ जाओ, आपके पास अगर पादुकाएं वगैरह ला लिए हैं या गुरु विग्रह है कुछ भी है तो आपके सामने रखो, पूजन आरंभ कर रहे हैं। ध्यान करेंगे, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः श्री सद्गुरुवे नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि। ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिं विशुदो वृत्पात्य तिष्ठ दशांगुलम् श्री सद्गुरुवे नमः। आवाहयामि आवाहनार्थे अक्षतां समर्पयामि। ओम पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतये च भव्यम् उदामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ओम एतावानस्य महिमातो जायांश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि पाद्यं परिकल्पयामि। ओम त्रिपादोर्ध्वोदयत्पुरुषः पादोऽस्येह भवत् पुनः ततो विश्वव्यक्रामत् शासनानश्नभिः हस्तयोः अर्घ्यं परिकल्पयामि। ओम तस्माद् विराळ जायत विराजो अधिपुरुषः स यातोऽत्यपश्चात् भूमिमथो पुरः आचमनीयं परिकल्पयामि। ओम यत्पुरुषम् ओम यत्पुरुषेण हविषा आदेवा यज्ञमदन्वता वसंतो अस्या सीताजं ग्रीष्म यद्म श्रद्धवे सर्वांगे स्नानीयं परिकल्पयामि स्नानान्ते आचमनीयं परिकल्पयामि। ओम तंयज्ञं परिषि प्रोक्षन पुरुषं जातमकृतः तेन देवा अजन्त साध्यार्षयश्चे वस्त्रं परिकल्पयामि। ओम तस्माद् यज्ञात् सर्वभूत संभूत पुरुषदाज्यं पशुगांश्चक्रे वायव्यानारण्यान् ग्राम्याश्चे उपवस्त्रं परिकल्पयामि। ओम तस्माद्यज्ञात् सर्वोत्तरितः सामान्यज्ञे छन्दांसि यज्ञे तस्माद्यजुस्तस्माद् जायत गन्धं परिकल्पयामि। ओम तस्माद्श्वा अजायन्त एकेको भयादताः गावोः यज्ञे तस्माद् जाता अजावयाः अक्षतां परिकल्पयामि। ओम अहिरिव भोगे परिगे दिवाहुं जाया हेतिं परिवाधमानः हस्तक्नो विश्वावयान विद्वान पुमान पुमान संपरिपादिष्टः सौगंधि द्रव्याणि परिकल्पयामि। ओम मा पुष्पम् तस्माद्श्वा जायन्त एकेचो भयादताः गावोः यज्ञे तस्माद् जाता अजावयः पुष्पाणि परिकल्पयामि। ओम तस्माद्श्वा जायन्त एकेचो भयादता गावोः यज्ञे तस्माद् जाता अजावयः। ओम यत्पुरुषं यदुकतिधाव्यकल्पयन् मुखं किमस्य गौबाहु कावूरूपादावुच्येते धूपं परिकल्पयामि। ओम ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरो तदस्येद्वैश्यः पद्व्याकं शूद्रो अजायत दीपं परिकल्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नैवेद्यम् दीपं परिकल्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नैवेद्यं परिकल्पयामि। ओम नाभ्या आसीत् अंतरिक्षं शीर्षोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्श्रोता तथा लोकां अल्पयन् ताम्बूलं परिकल्पयामि। ओम हिरण्यगर्भगृहस्थं येम बीजं विभावसो अनन्त पुण्यव्रतमतः शान्तिं प्रयच्छ मे दक्षिणां परिकल्पयामि। ओम मा ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसस्तु भारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य तिरह नामानि कृत्वा निदास्ते मंगलनीरानदीपं परिकल्पयामि। दाता प्रस्ताद्य मुदा जहारा शक्रप्र विद्वान् प्रतिशस्तस्रः त्वमेवं विद्वान् अमृते हेव दिनान्यप्पन्ताय नाय विद्यते मंत्र पुष्पाञ्जलिं परिकल्पयामि। यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देह नाकं महिमानस्य यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमो
पादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपति पादुकाभ्यः श्री गुरु परम गुरु परमेष्ठ गुरु परात् गुरु पादुकाभ्यो नमो नमः। प्रार्थना पुष्पाणि समर्पयामि। गुरुजी ने जो कहा है वही संकल्प में पढ़ रहा हूं, आप उसे कागज में लिखा हुआ है आप पढ़ो। नैवेद्य चढ़ाने के भक्तिभाव से प्रणाम करें कि मुझे गुरु रहस्य सिद्धि प्राप्त हो। मैं जीवन में भोग और मोक्ष दोनों की कामना रखता हूं। मेरी इच्छा है कि आप अपने पूर्ण ब्रह्म स्वरूप में मेरे सामने उपस्थित हो और मेरे हृदय में स्थापित हो, जिससे कि आप में निहित सारा ज्ञान और सारी सिद्धियाँ मुझे स्वतः प्राप्त हो सके और मैं सिद्धि पुरुष बनकर जीवन में लोगों का सभी दृष्टियों से पूर्ण कल्याण कर सकूं। ऐसा संकल्प आप पढ़ लेकर करो। उसके बाद स्फटिक माला से वो ब्रह्मोपनिषद का मंत्र जो है वो मैं दे रहा हूँ। सच्चाई तो यह है कि इस मंत्र की 21 माला होने के बाद निखिल कुंड में यंत्र के साथ स्नान करके आके गुरु से दीक्षा लेने पर पूर्णता प्राप्त होती है। अब आप ठंडी लग रही है, हम नहीं जा सकते, कपड़े नहीं लाए हैं, ये सारी आपकी बहाने हैं, तो मुझे कुछ नहीं। अगर आज गुरु पूर्णिमा के दिन अगर 21 मालाएं पूर्ण कर लेते हैं तो इसकी दीक्षा मैं देता हूँ। फिर भी आप सभी के लिए अभी तक जो कार्य हुआ है उस कार्य के अनुसार आप एक माला मंत्र जप आरंभ कर लें, मैं बाकी बाद का कार्यक्रम मैं आपको बता देता हूँ। एक माला मंत्र जप आप अभी संपूर्ण करें। गुरुजी को जैसा हमने कहा है कि लोक कल्याणार्थ गुरुजी आप मुझ में स्थापन हो जाओ, मुझे भोग और मोक्ष दो भी दो, मैं घर में वो सारी चीज़ें चाहता हूँ जो आप देना चाहते हैं और मैं दोनों का भी अभिलेष हूँ, आध्यात्मिक रूप से और आदिभौतिक रूप से और आदिदेविक रूप से मैं सारी कृपा आपकी प्राप्त करना चाहता हूँ। ऐसा ही मन में संकल्प करते हुए आप एक माला पूर्ण जप करो। मैं मंत्र बोल रहा हूँ। ओम ह्रीम स्त्रीम ऐम विम दुम तेम श्रीम परम क्लीम क्लीम ह्रीम तत्वाय श्रीम स्त्रीम श्रूम श्रैम नारायणाय हूम हेम हौम गुरुभ्यो श्रीम नमः। ओम ह्रीम स्त्रीम ऐम विम दुम तेम श्रीम परम क्लीम क्लीम ह्रीम तत्वाय श्रीम स्त्रीम श्रूम श्रैम नारायणाय हूम हेम हौम गुरुभ्यो श्रीम नमः। ओम ह्रीम स्त्रीम ऐं वीं दुं तें श्रीं परम क्लीं क्लीं ह्रीं तत्वाय श्रीं स्त्रीं श्रूं श्रैं नारायणाय हूं हें हौं गुरुभ्यो श्रीं नमः। अभी मैं आपके पास में गुरुजी का जो नैवेद्य बनाया हुआ है वो नैवेद्य का एक एक पीस जो लोग साधना करें वो लोग हाथ ऊपर करें, मैं नैवेद्य भेजता हूँ, उसमें नैवेद्य आपको दिया जाएगा। अच्छी नीचे पीस अच्छे से